हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस वर्ड में एक रूल्ड पेपर यानी कि जिन पेपर्स में लाइंस होती हैं, आप इस पेपर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार जरूरत पड़ जाती है, सपोज हमारे पास रूल्ड पेपर नहीं है और हमें कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना है कि हाँ ठीक है, हम रूल्ड पेपर पर ही करना है, या फिर कोई प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना है तो रूल्ड पेपर पर ही करना है, तो आप एमएस वर्ड में रूल्ड पेपर को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इसकी काफी सारी टेम्पलेट भी आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप टेम्पलेट नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप डायरेक्ट इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं, आप कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो, रन कमांड में टाइप कर सकते हैं विनवर्ड और डायरेक्ट अपना एमएस वर्ड यहां पर ओपन कर सकते हैं। मैं यहां पे कर रहा हूं एमएस ऑफिस 2021। अगर आप भी यूज करना चाहते हैं तो मैंने आपको कैसे एक्टिवेट करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, पूरा प्रोसेस बताया था, डिस्क्रिप्शन से लिंक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक ओपन कर लेते हैं और हमें बनाना है एक लाइंड पेपर यानी कि जिनमें लाइन हो, एक कॉपी, एक फेयर कॉपी जो हम अपने स्कूल की कॉपीज देखते हैं या फिर जो असाइनमेंट के पेपर्स देखते हैं लाइंस वाले, वैसा पेपर हमें यहाँ पे डिजाइन करना है। तो एमएस वर्ड ओपन होते ही हमारा जो पेज है, एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ओपन हो गया, आप देख सकते हैं कर्सर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि हमें किस टाइप का पेज चाहिए, किस टाइप के पेज पे हमें लाइंस चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे कोई सा भी एमएस वर्ड यूज करो, आपके पास ऊपर टैब्स मिलेंगे आपको और उसमें एक लेआउट टैब जरूर मिलेगा। लेआउट टैब में जाएंगे, देन सबसे पहले यहाँ पे ओरिएंटेशन, आपको अगर पोर्ट्रेट चाहिए यानी कि जिसकी हाइट ज्यादा होती है तो आप पोर्ट्रेट रखेंगे, लैंडस्केप चाहिए यानी कि जिसकी विड्थ ज्यादा होती है तो आप इस टाइप का पेज आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पोर्ट्रेट चाहिए तो हम पोर्ट्रेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको साइज, आप यहाँ पे अपना साइज भी डिफाइन कर सकते हैं, एनवेलप साइज चाहिए आपको, लेटर साइज चाहिए, A4 साइज, A3 साइज, जो साइज आपको चाहिए वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको काफी सारे साइज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे A3, A3 प्लस, B4, B3, ठीक है, सभी साइज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जो साइज आप यूज करना चाहते हैं वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सपोज हमें A4 साइज चाहिए तो हम A4 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, A4 साइज हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर जो लाइंस क्रिएट करेंगे पूरा स्टार्ट टू एंड तक लाइन चाहिए, तो हमें यहाँ पे मार्जिन सेट भी करना होगा, तो हम यहाँ पे मार्जिन में चलते हैं। ठीक है, लेआउट टैब में ही अभी हम मार्जिन में चलते हैं और नीचे कस्टम मार्जिन ऑप्शन आपके पास आता है, कस्टम मार्जिन में आप चलेंगे। ठीक है, आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जितने भी मार्जिन यहाँ पे नजर आ रहे हैं सबको 0-0 कर देंगे। ठीक है, 0-0-0 हमने यहाँ पे 0-0 कर दिया, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सब 0, ओके दबाएंगे और इग्नोर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका मार्जिन है वो एकदम 0 हो गया और जो कर्सर है बिल्कुल टॉप पॉइंट पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, एकदम कॉर्नर पे, यानी कि हम यहीं से लिखना शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, हमें लाइंस क्रिएट करनी है, तो लाइंस क्रिएट करने के लिए अब हम यूज लेंगे टेबल का। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में आपके पास यहाँ पे टेबल्स मिलेगा। ठीक है, एड अ टेबल, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ रोज चाहिए, कॉलम हमारा एक रहेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे आप डायरेक्ट इस चीज को समझिए, नंबर ऑफ कॉलम्स तो आपको चाहिए 1, कॉलम्स मतलब जो वर्टिकल आपके बॉक्सेस होते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। नंबर ऑफ रोज हमको चाहिए यहां पे, सपोज 20 यहां पे चाहिए, कम ज्यादा होगी तो हम कम ज्यादा कर लेंगे, सपोज 20 हमने यहां पे कर दिया है। ठीक है, रोज मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो बॉक्स होते हैं उनको हम रोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये करके जस्ट हम ओके बटन क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास आ गई है, स्टार्ट टू एंड हमारे पास यहाँ पे लाइन आ रही है। ठीक है, मार्जिन की वजह से, क्योंकि हमने मार्जिन 0 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, ये जो लाइंस के बीच स्पेस है ये बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इस स्पेस को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर में टेबल के लिए प्लस का साइन आ रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, टेबल सेलेक्ट होने के बाद आप जाएंगे यहां पे लेआउट में। ठीक है, ऊपर लेआउट टैब यहां पे आपके पास आ रहा है, देन यहां पर आपके पास टेबल की हाइट मैनेज करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहां पर आप इसकी अभी हाइट देख रहे हैं 0.21 है, मैं इसको 0.35 कर देता हूं और यहां पर हाइट बढ़ गई है। ठीक है, जब मैंने आउटसाइड द टेबल यहां पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहां पे जो लाइंस हैं उनके बीच स्पेस यहां पे बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारा जो पेज है लगभग लगभग वैसा व्यू यहां पे आने लगा है। ठीक है, लेकिन हमें अपने पेज के अकॉर्डिंग ऊपर डबल लाइन चाहिए और हो सकता है कि आपको साइड में, जिसे आप 1 इंच स्पेस या 1.5 इंच स्पेस देने के बाद जो लाइन, वर्टिकल लाइन आप लेते हैं,
वो आपको चाहिए हो तो वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं बहुत इजीली। तो सबसे पहले तो आप टेबल के सबसे ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और ड्रैग करके नीचे ले आएंगे इस तरीके से जितना स्पेस आपको चाहिए। सपोज मैं इतना स्पेस चाहिए, इतना ड्रैग करके मैं नीचे ले आया। अभी नीचे मेरे पास काफी सारा स्पेस खाली पड़ा है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन और लाइन्स क्रिएट कर सकता हूँ, वो हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डबल लाइन्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डबल लाइन क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक शेप्स में एक लाइन हम चूज कर लेंगे। लाइन हमने चूज किया और लाइन सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट ड्रॉ होगी, ठीक है। तो शिफ्ट बटन दबाना है, देन ड्रॉ करना है और इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। तो एक लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। शेप जो आउटलाइन है उसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली नोटबुक में मुझे जो लाइन है ये वाली रेड कलर की मिलती है। इसको कॉपी किया, अभी ये लाइन सिलेक्टेड है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ ग्रीन डॉट आ रहे हैं, दैट मीन कि ये लाइन अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। सिलेक्ट नहीं भी होगी तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी कर लेंगे और यहाँ पे अपने एरो की हेल्प से यहाँ पर एक डबल लाइन क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ओके, मैंने यहां पे एक डबल लाइन क्रिएट कर ली है। तो आप देख सकते हैं पेज का व्यू यहां पे अच्छा आ गया। एक वर्टिकल लाइन भी अगर आपको चाहिए तो वर्टिकल लाइन भी हम क्रिएट कर देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं पहले मैं यहां पे नीचे लाइन कंप्लीट कर दूं, तो आप नीचे लास्ट वाले सेल में क्लिक करेंगे, यहां पे लास्ट वाले सेल में आपने क्लिक किया, देन टैब बटन दबाएंगे। टैब बटन दबाएंगे तो एक और सेल आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक वर्टिकल रो यहां पे क्रिएट हो जाएगी, एक और टैब, एक और टैब, एक और टैब, एक और टैब, जहां तक चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं अब गुड लुक आ रहा है यहां पे पेज का। ओके, अब आप यहां पे वर्टिकल लाइन क्रिएट कीजिए। इंसर्ट में गए, देन शेप्स, देन लाइन, देन यहां पर वर्टिकल लाइन हम क्रिएट कर देते हैं। पेज को मैं जूम आउट कर देता हूं पहले और यहां पर आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर मार्किंग आ रही है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, जितने स्पेस बाद चाहिए उतने स्पेस बाद आप आइडिया से यहां पे इस तरीके से लाइन खींच देंगे। हर कॉपी का अलग मेजरमेंट होता है, लेकिन आप इस तरीके से शिफ्ट के साथ खींचेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, चाहे आपका जो माउस कर्सर है वो कहीं भी जा रहा हो, जिस भी दिशा में आप ले जाएंगे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो मैं शिफ्ट के साथ दबाया और यहाँ पे छोड़ दिया, दैट मीन कि यहाँ पे लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसकी जो कलर है वो रेड कर देते हैं, देन कंट्रोल सी, देन वी, सेम लाइन को हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे अरेंज कर दिया और यहाँ पे हमारा जो पेज है वो तैयार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है, इनफैक्ट जो मेरे पास अभी प्रिंटेड पेज है उससे ज़्यादा बेटर पेज हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का और डेट एंड पेज नंबर का कॉलम यहाँ पे बना सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, सबसे पहले आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट पे जाएंगे, देन शेप्स में जाएंगे, ठीक है। शेप्स में जाके आप इस वाले बॉक्स का भी यूज ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का भी एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर सकते हैं। इसमें आपको डेट, ठीक है, डेट एंड पेज नंबर इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको अगर ऐसा लग रहा हो ऊपर नीचे कुछ डॉट कम ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसकी हाइट वगैरह मैनेज कर सकते हैं। और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इसकी जो शेप आउटलाइन है वो मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है, वो मैं कर देता हूँ रेड और इसका जो टेक्स्ट है वो भी हम रेड कर देते हैं। होम पे गए, देन टेक्स्ट भी हमने रेड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पेज है वो डिज़ाइन हो गया है। हम चाहें तो इसका प्रिंट निकाल के इसका यूज़ कभी भी कर सकते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस वीडियो का यूज़ ले सकते हैं और बहुत तेज़ी से आप इस तरीके की टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रिक्स मैं आपको बताता रहता हूं, इससे पहले भी काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।